वेलकम टू किरण्स लर्नर एकेडमी। हम रेलवे का चैप्टर डील करेंगे आज, वेन डायग्राम। रेलवे के हिसाब से रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन बीइंग, हमारे पास 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं, तो काफी स्कोरिंग है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, सो दैट वी कैन अप्रोच इट करेक्टली। क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्न चित्र में तीन प्रकार के लोगों को तीन प्रकार के ज्यामितिक आकारों से दर्शाया गया है। विद्यालय शिक्षक को चित्र, ये हमारे विद्यालय यानी स्कूल के हैं। विवाहित लोगों को वर्ग से, ये मैरिड हैं। और ये है हमारे संयुक्त यानी जॉइंट फैमिली है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं पर विद्यालय शिक्षक नहीं है, यानी हमें विवाहित और संयुक्त का कॉम्बिनेशन निकालना है, लेकिन ट्रायंगल यानी विद्यालय ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बन जाएगा डी यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है, वैसे लोग जो ना तो विद्यालय शिक्षक है और ना ही विवाहित पर संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हैं यानी सर्कल में रहते हैं, लेकिन ट्रायंगल और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, यानी ई ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं को दर्शाता है। तो जो हमारे पास विवाहित हैं वो ये हैं और संयुक्त जो है हमारे ये वाले हो गए। तो इनमें जो ऑप्शन है वो बनेगा डी या बी। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया है कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं वो हमारे विद्यालय के नहीं होने चाहिए, विद्यालय शिक्षक नहीं होने चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन मार्क करेंगे बी यानी सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय शिक्षक जो विवाहित हैं पर संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, इसका मतलब हमें त्रिभुज और वर्ग का कॉमन पार्ट निकालना है, यानी सी ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षक जो ना तो विवाहित हैं और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो इसका मतलब है जो अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में आता है वही उत्तर होगा, यानी एफ यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी, 25 अंग्रेजी और सभी लोग कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं, कितने लोग हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो अगर हमें निकालना है कि कम से कम एक भाषा जो बोल दोनों भाषा जो बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारे पास 34 + 25 - 50। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आएगा 9। तो 9 जो व्यक्ति हैं वो दोनों बोलते हैं, जो है सेकंड। नेक्स्ट दिया गया है, चार ऑप्शन में से हमें बताना है, दूरदर्शन का माध्यम, टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन, इन चारों को हम कौन से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन का एक पार्ट है टीवी, और टीवी जो है वो एक विज्ञापन में और एक दूरदर्शन भी आता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाता है ई यानी फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है, डॉक्टर्स सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से कुछ सर्जन होंगे और कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास सी यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, बहुकोण आकार, समकोण आकार और चित्रभुज। तो जो हमारा बहुकोण आकार है उसमें समकोण आते हैं और त्रिकोण आएंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाता है बी यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मिसिपी नदी, मेक्सिको खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो मिसिपी नदी के पास मेक्सिको खाड़ी है और प्रशांत महासागर बिल्कुल अलग आ जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सेल्समैन, कॉलेज स्नातक और हाई स्कूल छात्र। तो
हमारे पास क्या रहेगा, जो सेल्समैन है उसमें से कुछ कॉलेज वाले भी हो सकते हैं और कुछ हाई स्कूल वाले भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखार्थी में वृत्त बुद्धिमान लोगों को यानी बुद्धिमान लोगों को त्रिभुज सज्जनात्मक लोगों को जबकि आयत सुस्त लोगों को इंगित करता है। चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? तो हमारे को त्रिभुज और आयत का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ऑप्शन बन जाता है ई और एफ, तो ऑप्शन मार्क करेंगे सेकंड। नेक्स्ट है, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है? तो सिर्फ त्रिभुज और आयत का कॉम्बिनेशन बनाना यानी सिर्फ ओनली एफ, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट मार्क करते हैं, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है, यानी बुद्धिमान और सुस्त का हमें ऑप्शन कॉम्बिनेशन बताना है, तो ऑप्शन आ जाएगा जी और ई यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन बुद्धिमान एवं सुस्त है साथ साथ सृजनात्मक भी है, यानी तीनों फिगर का कॉम्बिनेशन यानी ई, ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है, यानी हमें वृत्त और त्रिभुज का कॉम्बिनेशन बताना है, तो ऑप्शन बनेगा डी यानी फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हेतु एक परीक्षा में 500 विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं। चित्र विद्यार्थियों की संख्या जो विभिन्न परीक्षाओं में फेल हुए हैं को दर्शाता है। कम से कम दो विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कम से कम दो का मतलब है या तो दो में फेल हुए हैं या तीन में फेल हुए हैं, ठीक है? तो अगर हम दो का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास है 12, 12 और 10, 12, 12, 10। कम से कम दो हैं तो तीन वाले भी लेंगे, पांच। इनका प्रतिशत निकालना है, कुल है 500। प्रतिशत निकालने के लिए इन्हें हम 100 से गुना कर देंगे, तो उत्तर आ जाता है हमारे पास 39/5। तो ये हमारे पास आएगा 7.8, तो ऑप्शन हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चित्र रेखाचित्र में कौन सा चित्र ठीक तरह से हाथी, भेड़िया और जानवर को दर्शाता है? तो जो हमारी भेड़िया है और हाथी है, ये एक जानवर है लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चित्र किस आकृति में दिन, सप्ताह, कैलेंडर बहुत अच्छे से स्पष्ट है? तो दिन से आपके सप्ताह बनेंगे और सप्ताह जोड़ जोड़ के कैलेंडर बनते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाता है थर्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वेन डायग्राम के लिए देखे। थैंक यू।